और दो क्वेश्चन देखते हैं गाइस, अगेन ऑल ऑफ देम आर बेस्ड ऑन द सम वाला पार्ट, और एग्जाम में आए हुए ऐसे सवाल, अगेन मतलब एग्जाम मतलब कैट की बात कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा रिमाइंडर का लॉजिक लगेगा और बाकी एपी का सम का फंडा लगने वाला है। क्वेश्चन बोलता है कि ऐसे जितने भी टू डिजिट नंबर हैं जो कि 5 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर आपको 3 का मिले, उन सारे को ऐड करना है। तो सोचना चालू करो, ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जिनको कि 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आपको 3 का मिलेगा। तो मैथ्स में नहीं भी जाऊं तो मेरे को पता है कि पहला नंबर 8 हो सकता है, 8 को 5 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 3 मिलेगा। अच्छा, उसके पहले आपको 3 भी तो हो सकता है, 5 से 3 को डिवाइड करूंगा हाँ तो रिमाइंडर आएगा आपको 3 आने वाला है। मतलब यूनिट प्लेस पे या तो 3 होगा नहीं तो 8 होगा। हाँ, तो अगला नंबर होगा 13, इसको भी 5 से करोगे तो रिमाइंडर 3 का आएगा 18। इट मींस आपको सारे नंबर के यूनिट प्लेस पे या तो 3 होगा नहीं तो 8 होगा। अभी मैथ्स में जाना है तो ऐसे सारे नंबर, ऑल द नंबर्स व्हिच वेंट डिवाइडेड बाय 5 एंड व्हिच विल लीव मी अ रिमाइंडर ऑफ 3, उसका जनरल फॉर्म होगा आपको 5 इनटू समथिंग प्लस 3। ये जनरल फॉर्म होगा 5 इनटू समथिंग प्लस 3। ए का वैल्यू 0 लोगे तो बन जाएगा 3, ए का वैल्यू 1 लोगे तो बन जाएगा 8 एंड सो ऑन। ये तो पहला हर्डल पार कर लिया हम लोगों ने, लेकिन अभी क्वेश्चन में बोल रहा है मेरे को वैसे सारे नंबर ऐड करना है जो कि सारे टू डिजिट नंबर है। इट मींस ये तो स्टोरी में आएगा ही नहीं। हाँ, स्टोरी स्टार्ट होगा 13 से, उसके बाद आएगा 18, उसके बाद आएगा 23। अभी सोचना है कि ऐसे करके मैं कहां तक जाऊंगा। हम लोगों ने चेक कर लिया कि सारे नंबर की यूनिट प्लेस पर 3 और 8 आने वाला है, तो आखिरी नंबर तो 98 ही होगा क्योंकि ये टू डिजिट नंबर, आखिरी टू डिजिट नंबर आपको यही होगा। तो इन सारे को ऐड करना है। अभी यहां पर मेरे को आपको एपी के सम का रिलेशनशिप यूज करना पड़ेगा। अभी कितना जल्दी यूज कर सकते हैं, एपी में सम निकालना है तो एवरेज देखना पड़ेगा। मेरा एवरेज होगा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म तो बाय 2। आई नो द फर्स्ट टर्म, आई नो द लास्ट टर्म, तो ये तो एवरेज हो गया। लेकिन सम निकालने के लिए आई शुड नो नंबर ऑफ टर्म ऑल्सो। नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए सबसे ईजी तरीका रहेगा, अगेन इंटीग्रल सोल्यूशन वाला तरीका यूज करिए गाइस। इंक्रीज हो रहा है 5 से तो ये बनेगा आपको 5 इंटू 2 प्लस 3, ऐसे करके ये 5 इंटू 3 प्लस 3, और आखिरी वाला है आपको 5 इंटू 19 प्लस 3, 19 5 जा 95 एंड प्लस 3, 5 का टेबल तो इजी होता है। हाँ, तो नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे, स्टोरी स्टार्ट हो रहा है 2 से, एंड हो रहा है 19 पे, तो नंबर ऑफ टर्म होंगे 19 माइनस 2 एंड प्लस 1, आई होप याद हो। तो 19 माइनस 2 हो गया 17 एंड प्लस 1, 18 टर्म्स होंगे गाइस। तो ये हो गया नंबर ऑफ टर्म्स, ये हो गया एवरेज, ऐड करूंगा तो 111 बाय 2 इनटू 18, 2 से जाएगा 9 बार में, आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर है, ट्रिपल लाइन इज द करेक्ट आंसर। ऑल्टरनेटिव अगर आपको चाहिए नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए, हम लोगों ने एपी में नंबर ऑफ टर्म निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला भी देखा था। नंबर ऑफ टर्म निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला था लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन द कॉमन डिफरेंस एंड प्लस 1। तो ये बन जाएगा 98 माइनस आपको 13 इज 85, 85 बाय 5 इज 17 एंड 17 प्लस 1 अभी भी 18 टर्म ही आएंगे। तो कहने का मतलब आप जो भी यूज करो वो थोड़ा सा जल्दी यूज करना पड़ेगा। मतलब मैं नंबर ऑफ टर्म निकालने में एक मिनट नहीं लगा सकता हूं, तो नंबर ऑफ टर्म आ गया तो आंसर मिल जाएगा। ऑन द सेम आइडिया इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये अगेन बोलता है ऑल टू डिजिट नंबर वो जो कि 7 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर 4 का दे, उनको ऐड करना है। तो आपको समझ में आना चाहिए ऑल सच नंबर्स, इन सारे का जनरल फॉर्म हो जाएगा आपको 7 इंटू समथिंग एंड प्लस 4। हाँ, तो पहला नंबर मिलेगा आपको 4, आप जब बी का वैल्यू आप डालोगे 0, अगला नंबर आएगा अब बी का वैल्यू जब 1 डालोगे तो 11, ऐसे करके 18, ऐसे करके अब 25, मतलब अगला नंबर 7-7 के गैप पे आते चलेगा। लेकिन मेरे को सारे टू डिजिट नंबर चाहिए, इट मींस ये 4 तो डिस्क्वालीफाई हो गया, ये रेंज के आपको बाहर है। तो सबसे पहला नंबर मिला मेरे को 11, उसके बाद आ रहा 18 विच इज नथिंग बट 7 इंटू आपको 2 प्लस 4। तो आखिरी नंबर कौन सा मिलेगा वो जल्दी से निकालना है मेरे को। आखिरी नंबर जो भी होगा 99 के आजू बाजू होगा, और ये 7 का टेबल चल रहा है, 7 के टेबल में सारे आ रहे हैं, ये 7-1 जा 7-2 जा। हाँ, तो 7 का टेबल पढ़ना चालू करूंगा मैं। I know 7 into 13 is 91. 7 into 13 is 91. उसमें plus 4 करूंगा तो 95 आएगा.
इंक्रीज हो रहा है 7 से, हाँ, तो अगला नंबर 7 से ऐड करूंगा तो 100 पार हो जाएगा. इट मीन 7 इंटू आपको 14 प्लस 4 नहीं चलेगा, रेंज के बाहर हो गया. आई ओनली वॉन्ट 2 डिजिट नंबर. तो इन्हीं सारे को ऐड करना है. अभी आप कितना जल्दी ऐड कर सकते हैं, एवरेज हो जाएगा 11 प्लस 95 बाय 2 इनटू, ये तो एवरेज हो गया फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2, मेरा नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा 1 से 13 के बीच में आपको 13 टर्म है, इनटू 13. ये कर लीजिए सॉल्व, 2 से जाएगा ये 50 13 5 65, 650 में 39 ऐड कर लिए, 35 6, तो आंसर हो जाएगा, आंसर 689 इज द करेक्ट आंसर गाइस. तो अगेन आपको दोनों सेम टाइप के सवाल थे, एग्जाम में ये टाइप के सवाल आ चुके हैं, तो आराम से आप कर सकते हैं. एक क्वेश्चन और देखिए इसी पे लगे लगे ऑन द सेम आइडिया. वो क्वेश्चन है क्वेश्चन इज लेट से आपको टू एपीज आर गिवन. आपको पहला एपी चल रहा है 1, 4, 7 and 10 and 13 and 16 and so on. आपको दूसरा एपी चल रहा है, ये पहला एपी था, दूसरा एपी चल रहा है 2, 6 and 10 and 14 and 18 and so on. एंड क्वेश्चन है व्हाट इज द सम ऑफ All two digit numbers which are common to आपको these two series, ये दोनों AP series में आपको जितने भी common term हैं और सारे आपको two digit वाले common term चाहिए उनको add करना है. Question आप पहले समझो, इजी सवाल है. हम लोगों ने ऐसा एक पहले क्वेश्चन देखा था कि हाउ डू वी फिगर आउट हाउ मेनी कॉमन टर्म्स आर देयर. तो सबसे पहले तो स्टार्ट वहीं से करना पड़ेगा, सीरीज ऑफ कॉमन टर्म्स से स्टार्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आगे कुछ करेंगे. सीरीज ऑफ कॉमन टर्म, हाँ, तो सबसे पहला तो कॉमन टर्म मेरे को एक नहीं है, ये चार नहीं है, हाँ, सात नहीं, हाँ, दस मिल गया. फर्स्ट कॉमन टर्म इज 10. अभी हम लोगों ने ये भी सीखा था कि अगला कॉमन टर्म कब आएगा, वो भी सीखा हुआ है. आपको ये 3 से भाग रहा है और ये 4 से भाग रहा है, हाँ, तो अगला कॉमन टर्म आएगा LCM ऑफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ दीज टू सीरीज. हाँ, तो LCM 3 और 4 का होगा 12, तो मतलब 12 12 के गैप पे आते चलेगा. इट मीन्स अगला आएगा आपको 22, अगला आएगा आपको 34 एंड सो ऑन. ऐसे करके वेरीफाई आप कर लेना, आपको वही आएगा. और लिमिट लगा हुआ है, मेरे को वैसे ही सारे कॉमन टर्म ऐड करने हैं जो कि इन दोनों में आने चाहिए, और लेकिन वो टू डिजिट के होने चाहिए. हाँ, ये सारा टू डिजिट का चल रहा है, तो अभी ये कहां तक जाऊंगा, ये 100 के पहले मतलब 99 तक ही अलाउड है. अभी कैसे वो आखिरी वाला टर्म कौन सा होगा वो भी निकालने आना चाहिए. इंक्रीज हो रहा है ये सीरीज आपको 12 से. आप देख लो इंटीग्रल सॉल्यूशन वाला तरीका कितना हैंडी है, वो एपी में हमेशा यूज कर सकते हो. नंबर ऑफ टर्म, आखिरी टर्म निकालना है. इंक्रीज हो रहा है 12 से, हाँ, तो 12 से डिवाइड कर दूंगा मैं, ये 12 से डिवाइड होगा, इंक्रीज हो रहा है, हाँ, तो बन जाएगा ये इंक्रीज हो रहा है, हाँ, तो ये 0 1, तो ये 2 हो जाएगा, आगे 3 हो जाएगा एंड सो ऑन. हाँ, तो आखिरी टर्म अगर 12 का टेबल पढ़ना है, अच्छा 12 8 जा लूंगा तो 96 बन जाएगा, 96 में मेरे को 10 ऐड भी करना है तो 100 पार हो जाएगा. इट मींस आई कैन गो ओनली अप टिल 7 एंड प्लस 10, 84 प्लस 10, तो मतलब 94 विल बी द लास्ट कॉमन टर्म इन दीस टू विच आर टू डिजिट नंबर. अभी सम निकालना है, एपी ही चल रहा है, एपी का सम निकालने के लिए अपने को रिलेशनशिप आपको पता है, हो जाएगा एवरेज होगा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2, ये तो एवरेज मिल गया. एंड द नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 0 अप टिल 7, अच्छा 0 से 7 के बीच में कुल मिलाकर 8 कॉमन टर्म है, इंटू 8, 2 से जाएगा ये 4 बार में, इसको ऐड करेंगे तो बनेगा 104 इंटू 4, तो आंसर हो गया ये 416 इज योर करेक्ट आंसर. हाँ, तो आई होप आपको आइडिया समझ में आ गया हो कि ऐसे में भी ये सारे सवाल में सम ही यूज हो रहा है. और बार बार मैं एक ही बात बोल रहा हूँ कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2 से एवरेज निकाल लो, और नहीं तो नंबर ऑफ टर्म अगर
ऑड है, इन दैट इज मिडिल टर्म निकाल लो, तो वही आप कॉमन थीम वही चल रहा है।